घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है जंगल का स्कूल। उसके बाद हम लोग चित्रकोश में नए नए शब्दों को समझेंगे, फिर खेलेंगे एक खेल उलट पलट, फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और सीखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं को घटाना। उसके बाद करेंगे जोड़ घटाव को और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है 10 Little Fingers। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसनदास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया, पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते।
अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था, उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते तो भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी। बिट्टू, इतने ध्यान से क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं काका, कहानी पढ़ने के लिए एक किताब ढूंढ रही थी। ये देखिए, मुझे चित्रों वाली किताब मिली। तो बिटिया, इसमें इतने ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है? काकी, ध्यान से देखने वाली बात ही तो है, इस किताब में कहानी लिखी नहीं है, बस चित्र हैं। तो कहना चाहती हो कि तुम्हें चित्र देखकर कहानी बनानी है? काका, पर बिटिया, चित्र तो दिखाओ, कैसे हैं? क्या कोई कहानी बन भी पाएगी? काकी, बिल्कुल बन पाएगी, और मैंने तो बना भी ली है। बहुत खूब बिटिया। काका, ये मैंने जंगल की कहानी बनाई है जिसमें स्कूल खुला है। शाबाश बिट्टू, जरा हमें भी तो सुनाओ कि तुमने क्या कहानी बनाई है। हाँ हाँ बिटिया, सुनाओ। जरूर, तो सुनते हैं कहानी। जंगल का स्कूल। एक घना जंगल था। जंगल अंधेरा और घना था। चारों तरफ बहुत सारे बड़े पेड़ थे, उनके बीच पगडंडियां थीं। बहुत सारे जानवर और चिड़ियां जंगल में रहते थे। एक दिन सारे जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। क्या तुमने सुना है? तोतू तोते ने पूछा। हिरनी ने कहा, हाँ। क्या क्या क्या? डरपोक खरगोश ने पूछा। मिंकू बंदर बोला, हमारे जंगल में एक स्कूल है। मोटा हाथी सोचता रह गया। लंबो जिराफ खुश हो गया।
धीमे घोंगे ने जोर से कहा, चलो जल्दी हम सब वहां चलते हैं। तोता सबसे आगे उड़ा। मिंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए गया। पुराखा अजगर तेजी से रेंगने लगा। देखो, तोतू चिल्लाया, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? उल्टा झूलते हुए मिंकू ने कहा, लगता है सब कुछ उल्टा लिखा है। पुराखा ने लंबी सांस ली। यहाँ किसी को पढ़ना नहीं आता। जल्दी ही सब दोस्त वहां इकट्ठा हो गए। लंबू ने पेड़ के ऊपर देखा, यहाँ कोई नहीं है। मिंकू बोला, यहाँ कोई नहीं है। तोतू ने कहा, ध्यान से देखो, खोजो खोजो। छोटा भालू ने ऐलान किया, एक छोटा सा कमरा मिला है। धीमे ने कहा, मुझे एक झूला मिला है। डरपोक खरगोश ने पूछा, यह ब्लॉक किस काम के हैं? मिंकू बंदर ने पूछा, यह क्या है? पुराखा ने समझाया, शायद ये पेंसिल है। मोटे और लंबू को एक कमरा दिखा। उन्होंने सबको बुलाया, देखो यहाँ क्या है। सभी स्कूल बैग लेकर आए थे। वे सब चिल्लाने लगे, टीचर टीचर, हमारी टीचर किधर है? किसी को भी पता नहीं था। तभी उन्हें एक दहाड़ सुनाई दी, फिर एक और ऊंची गरज, उसके बाद एक और जोरदार गरज। पुराखा और मिंकू परेशान हो गए। धीमे डर गया। तोतू बोर्ड के पीछे छिप गया। यह कौन है? मिंकू बोला, हप, चारों ओर सन्नाटा। सब टीचर की ओर देख रहे थे, ऊपर नीचे बड़े ही ध्यान से। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। कूदो, मिंकू बोला। उड़ जाओ, तोतू बोला। धम 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 भागा मोटा। धीमे चीखा, भागो और तेज भागो, भागो, सभी जानवर चिल्लाए। जब टीचर फिर घूमे तो कक्षा में कोई भी नहीं था। वाह बिट्टू, तुमने तो बहुत ही अच्छी कहानी बनाई। और तो और भाग्यवान, बिट्टू ने कहानी का नाम भी कितना अच्छा रखा। बहुत खूब बिटिया। वो तो है। थैंक यू काका काकी, आप दोनों की बातों से ये तो पता चल गया कि कहानी आपको पसंद आई, पर समझ आई या नहीं ये जानने के लिए कहानी पर चर्चा शुरू करनी होगी। बिल्कुल बिटिया। भाग्यवान, देख रही हो, बिट्टू काफी समझदारी वाली बातें करने लगी है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। काकी काका, आप दोनों ऐसे कहेंगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। तुम और शर्मा जाओ, हो ही नहीं सकता। वो तो है, पर काका इस तरह आप बातों में उलझाकर सवालों से बच नहीं सकते। बिल्कुल सही समझ रही हो बिटिया। काका, सबसे पहले आप बताइए कि जंगल के चारों तरफ क्या था? बिटिया, जंगल के चारों तरफ पेड़ थे। बहुत बढ़िया काका। अब काकी आप बताइए कि सभी जानवर क्या खोज रहे थे? सभी जानवर स्कूल खोज रहे थे। बहुत खूब भाग्यवान। बच्चों, हमने तो इस कहानी को सुना, समझा और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब आप भी इस कहानी को अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और उस पर ढेर सारी चर्चा कीजिए। काका, मजेदार कहानी के बाद मजेदार खेल की बारी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिट्टू की काकी, खेल खेलने के लिए तैयार हो? बिट्टू के काका, मैं तो खेल का नाम सुनते ही तैयार हो जाती हूँ। क्यों काका, काकी का जवाब कैसा लगा? बिट्टू, तुम्हारी काकी कब जवाब सीधा देती हैं? जवाब सीधा दूं या उल्टा, आप समझ तो जाते ही हैं, क्यों बिट्टू? बिल्कुल काकी, अब बिना देर किए शुरू करते हैं खेल। हाँ हाँ, फिर खेलते हैं खेल जिसका नाम है चित्रकोश। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है चित्रकोश।
इस खेल में हमें चित्र दिखाई देंगे, हमें चित्र की आवाज सुनकर उसको पहचानना है। बहुत ही मजेदार खेल है, तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। खिड़की, अलमारी, घड़ी। अच्छा, हमें घड़ी ढूंढनी है। दिखाएं खिड़की। ओ, घड़ी नहीं खिड़की, ये तो आपको भी पता होगा, ये है ना? बिल्कुल सही। वेल डन। स्लेट, चौक, स्टंप, दिखाएं स्टंप। अच्छा, हमें स्टंप दिखाना है। क्रिकेट में जो हम खेलते हैं तो स्टंप लगाते हैं ना, वही स्टंप दिखाना है हमें। तो कौन सा लग रहा है, ये है या ये है? ये, देखते हैं। That's very good. बिल्कुल सही। केतली, दरवाजा, चौक, दिखाएं दरवाजा। कहाँ है दरवाजा, आप भी पहचानिए। मजा आ रहा है इस खेल में। तो दरवाजा कौन सा है, ये वाला? ठीक है, देखते हैं। वेल डन। बिल्कुल सही। पिन, केतली, झोला, दिखाएं केतली। केतली, केतली कौन से इसमें, ये है केतली, क्या लग रहा है, यही है? हाँ बिल्कुल। गुड जॉब। टोपी, कैमरा, चाबी, दिखाएं टोपी। अच्छा, टोपी, ये तो आपको भी पता होगा टोपी के बारे में, ये है टोपी। गुड जॉब। तो बहुत मजा आ रहा है इसमें, वो वापस खेलते हैं इस खेल को। ट्यूब लाइट, पेन, स्टंप, दिखाएं पेन। पेन लिखने के लिए है, लिखने के लिए हम पेन का यूज करते हैं ना। एक्सेलेंट। हेलमेट, तकिया, मेज, दिखाएं मेज। मेज कौन सा है, मेज क्या लग रहा है आपको, ये या ये? ये वाला, बिल्कुल सही। यू आर अमेजिंग। डस्टर, पंखा, स्याही, दिखाएं डस्टर। डस्टर जिसे हम बोर्ड साफ करते हैं लिखने के बाद, ये है। फाइल, हैंडल, रबड़, दिखाएं फाइल। फाइल कौन सी है, फाइल ये या ये? ये वाला, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये है। यू आर अमेजिंग। ब्रश, खिड़की, टोपी, दिखाएं ब्रश। ब्रश, जूता साफ करने के काम भी आता है, और क्या आता है, कपड़े साफ करने में हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। That's very good. और खेलते हैं इसको, बहुत मजा आ रहा है इस खेल में। कैमरा, हेलमेट, दिखाएं हेलमेट। हेलमेट, 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 ये तो आप भी जानते होंगे हेलमेट, ये रहा हेलमेट। एक्सेलेंट। झूला, कंप्यूटर, कैमरा, दिखाएं कैमरा। कैमरा फोटो खींचने के काम आता है ना कैमरा, ये है कैमरा। राइट आंसर। बटुआ, गिलास, बाल्टी, दिखाएं बटुआ। बटुआ क्या बोला, सुनते हैं वापस। दिखाएं बटुआ। ये कौन सा है? एक्सेलेंट। ओहो बिल्कुल सही। पिन, स्याही, फुटबॉल, दिखाएं फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल तो ये है ना? फैंटास्टिक। तख्ती, ट्यूब लाइट, बाल्टी, दिखाएं तख्ती। ये है। यू आर अमेजिंग। क्यों, खेल खेलने में मजा आया? मजा ही नहीं, खूब मजा आया। क्यों बिट्टू? हाँ काकी। बहुत खूब काका,
ज्यादातर चित्रों के नाम सुनकर पहचान ही लिया। वह तो मैं भी देख रहा था। बिट्टू के काका, बिटिया नाम पहचानने के बाद कितना खुश हो रही थी। सही पहचानने पर तो खुशी होती ही है। बिल्कुल। इस खेल के बारे में बातचीत यहीं रोकिए और वापस पिटारा खोलिए। वाह काकी, भाग्यवान। पिटारा तो खोल लूंगा, पर खेल कौन सा निकालूं वह तो सोच लूं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, नाम तो हम बता देंगे, क्यों बिट्टू? बिल्कुल। अरे वाह, फिर तो जल्दी बताओ। बिटिया, कौन सा खेल खेला जाए? उस खेल का नाम याद नहीं आ रहा, पर उसमें शब्द सुनकर पहचानना होता है और फिर देश विदेश की फोटो भी देखने को मिलती है। अच्छा अच्छा, मुझे खेल का नाम याद है, उलट पलट। हाँ हाँ, यही नाम था उसका। जब नाम भी बता ही दिया तो खेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। आई एम रेडी काका। तो आइए शुरू करते हैं खेल उलट पलट। इस खेल में आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनकर शब्द को पहचानना होगा। अगर सभी शब्दों को सही पहचान लिया तो हमें चित्र दिखाई देगा। तो है ना मजेदार खेल, चलिए खेलते हैं। खीरे, खीरे, चीते, खोटी, खोटी, ये क्या है? खीरे। अच्छा बिल्कुल यही है। अरे वाह। मौका, मौका, ये क्या है? मौका, बिल्कुल यही है। अरे वाह। पापी, पापी, प से शुरू होगा तो प ढूंढिए पहले, ये क से शुरू है, हाँ ये प से है, पापी यही शब्द है। नम, ये तो खोटी, चीते, ये लग रहा है, नम, नम, बिल्कुल यही है। कभी, कभी, खोटी, ये भी नहीं है, क और भी, कभी, बिल्कुल सही है ये। कौमी, अब हमें ढूंढना है कौमी, ये तो द से शुरू है, दाम, और ये क्या है? कौमी। अच्छा ये रहा कौमी शब्द। अरे वाह। दाम, ये है दाम, दाम। खोटी, हाँ ये रहा खोटी। चीते, ये रहा चीते। अरे वाह, ये देखिए कितना सुंदर फोटो है ये। क्या लिखा है यहाँ? कनाडा, कनाडा, लगता है कोई देश का नाम है। हमने सभी शब्दों को सही पहचाना तो ये चित्र देखने को हमें मिला। चलिए आगे चलते हैं। माफिक, माफिक, मामूली, ये तो मामूली लिखा है, ये भी क से शुरू है तो ये भी नहीं होगा। माफिक, अच्छा ये रहा माफिक शब्द। अरे वाह। माजना, माजना, हाँ ये रहा माजना। अरे वाह, बिल्कुल सही। कंकड़, अब अपने को ढूंढना है कंकड़, कंपनी, ये भी कंकड़ नहीं लिखा है। अरे हाँ ये रहा कंकड़। कलावा, कलावा, हाँ ये रहा कलावा। दुकान, दुकान शब्द ढूंढना है, दुकान, दुकान, अरे वाह। कमर, कमर, यही है पक्का। कंपनी, कंपनी, ये है कंपनी, कंपनी। मामूली, मामूली, अच्छा ये रहा मामूली शब्द। मिसाल, और ये अंत में एक ही शब्द बचा, यही है फिर। अरे वाह, बिल्कुल सही। अरे वाह, देखिए कितना सुंदर फोटो है ये। क्या लिखा है यहाँ पर, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड, अच्छा ये क्या लिखा है? इंग्लैंड। बिटिया, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं, बहुत मजा आया इस खेल को खेलने में। शब्द पहचानो और गिफ्ट लो। गिफ्ट, पर किसने दिया, कब दिया,
लो अब समझाओ अपने काका को। काका शब्द पहचानने के बाद विदेश की सैर, काकी गिफ्ट से कम है क्या? बहुत खूब, अब आप तैयार हो जाइए। पर जाना कहाँ है यह तो बताओ। इस लॉकडाउन में कहीं नहीं जाना है, खेल खेलने के लिए तैयार हो जाइए। अब समझा। समझ गए तो क्या करना है सुन लीजिए। काका लगता है काकी कोई मजेदार खेल खिलवाने वाली हैं। हाँ बिटिया। तो सुनिए वाक्य बोलूंगी, आप दोनों को जल्दी जल्दी बोलकर बताना है। काकी हम बिल्कुल तैयार हैं। चांदी की चैन चैन चांदी की, चीनू की चैन चैन चीनू की। भाग्यवान कहाँ से ऐसे वाक्य लाई हो, बोलने के लिए सोचना पड़ेगा। कहाँ से लाई हूँ ये मत सोचिए, आप तो जल्दी जल्दी बोलकर दिखाइए। काका पहले मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बिटिया शुरू करो। चांदी की चैन चैन चांदी चीनू चैन चैन चीनू की। बिटिया प्रयास अच्छा है, थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा। काका आप बोलिए फिर मैं वापस बोलूंगी। अच्छा, चांदी की चैन चांदी की चैन चीनू की। आप भी फिर से कोशिश कीजिए। अच्छा मैं दोबारा बोलती हूँ अब। चांदी की चैन चैन चांदी की चीनू की चैन चैन चीनू की। बहुत खूब बिट्टू, बिल्कुल सही। चलो मैं भी बोलने की कोशिश करता हूँ। चांदी की चैन चैन चांदी की चैन चैन चीनू की। बहुत खूब बिट्टू के काका। वाह काका। बच्चों बिट्टू और बिट्टू के काका ने तो जल्दी जल्दी बोलकर बता दिया, अब आप भी बोलकर घर के सदस्यों को सुनाइए और उनसे सुनिए, आपको भी खूब मजा आएगा। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल की मजेदार कविता के बाद आज भी हम एक मजेदार कविता सुनने वाले हैं। चलिए तो फिर सुनते हैं आज की कविता जिसका नाम है भालू। क्या आप तैयार हैं आज की कविता सुनने के लिए? चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कविता। एक मदारी लाया भालू, नाम था उसका मोटा कालू। एक मदारी लाया भालू, नाम था उसका मोटा कालू। काले काले उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल। काले काले उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल। ठुमक ठुमक कर नाचे भालू। भालू की कविता बढ़िया थी ना, सुन के मजा आ गया। आपको भी मजा आया ना? कल फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। बाय। हेलो दोस्तों, चलिए हल करते हैं दो अंकों वाली संख्याओं का घटाना। देखते हैं दो अंकों वाली संख्याओं के घटाने आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए साथ साथ हल करते हैं। पहला सवाल है कि रामू के पास प्याज की दो टोकरी है। दो टोकरी में 24 प्याज है, उसमें से राजू को 13 प्याज दे दिए। तो बताओ रामू के पास कितने प्याज बचेंगे? रामू के पास प्याज की दो टोकरी है, ठीक है, और टोकरी में 24 प्याज है। राजू को कितनी देनी है? 13। तो रामू के पास कितनी बचेंगी? देखो ये है रामू की टोकरी में प्याज, ये कुल कितनी है? कुल ये 20 है और ये 4, तो हो गई कुल 24। चलिए इकाई और दहाई में लिखते हैं संख्याओं को। तो इकाई पर एक प्याज है, यानी इकाई का अर्थ है एक प्याज, और दहाई दहाई का अर्थ 10 प्याज का समूह है। इस तरह देखिए रामू के पास 4 इकाई है और 2 दहाई है, क्योंकि कुल 20 प्याज है। और अब देनी है कितनी? 13, जिसमें इकाई पर 3, तो 3 प्याज दे दिए, ये देखिए। और दहाई पर कितनी? दहाई पर 1 दहाई। अब देखिए किस तरह देते हैं, यहां इकाई पर कुल 4 प्याज थी, ठीक। अब क्या करें, ये 3 प्याज देनी है इसलिए 3 बाहर निकाल दो, तो ये 3, और अब यहाँ 4 नहीं बची, टोकरी में कितनी बची? 1 बची, और ये 1 इकाई है, मतलब यहाँ पर इस तरह। यहाँ पर 2 दहाई है और कम करना है कितना? 1 दहाई, तो ये लो टोकरी से 10 प्याज निकाल दिए।
तो 10 निकल गए, अब यहाँ 20 नहीं है, अब यहाँ बचेंगे 10 यानी एक दहाई। ये देखिए टोकनी में बच गए 10। तो रामू के पास कितने प्याज हो गए? कुल 11। टोकनी में 10 है और एक टोकनी में एक है, इस तरह कुल 11 प्याज बचेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है कि रीता के पास 37 सेब हैं। रीता ने उसमें से 14 सेब अनिल को दिए, तो बताओ कि रीता के पास कितने सेब बचे? देखते हैं रीता के पास कितने बचेंगे। ये है कुल 37 सेब। अब हम इन्हें टेबल बनाकर इकाई दहाई पे लिखेंगे। तो इकाई का मतलब हुआ एक सेब, ठीक है दोस्तों, और दहाई का अर्थ है 10 सेब का समूह। तो देखो यहाँ रीता के पास 7 इकाई है यानी 7 सेब अलग से हैं, और दहाई पर है 3 दहाई कुल 30, इस तरह कुल 37 सेब है। और अब कम करना है, कितने कम? 14 जिसमें 4 इकाई एक दहाई है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 7 इकाई है यानी 7 सेब, हमें कम करनी है 4 सेब। तो क्या करें, चलो 4 बाहर निकाल देते हैं, तो अब क्या 7 बचे? नहीं, अब बचे 3 यानी 3 इकाई बचता है जब 7 से 4 जाता है। और अब यहाँ देखिए 3 दहाई है, उसमें से हमें कम करना है 1, तो कैसे? ये लो 1 दहाई कम कर दिया यानी 10 निकाल दिए, तो कितने बचे? 30 नहीं बचे, अब बचे हैं 20 सेब, तो ये 2 दहाई है। 2 दहाई और 3 इकाई या 20 और 3 मिलकर हुए 23, तो रीता के पास 23 सेब बचेंगे। दोस्तों अब देखिए आखिरी सवाल क्या है। सवाल है रीता के पास 18 चीकू हैं। रीता ने उसमें से 13 चीकू अनिल को दिए, तो बताओ कि रीता के पास कितने चीकू बचेंगे? चलिए देखिए, ये 10 और 8 कुल 18 चीकू। तो इन्हें हमने अलग अलग बांट के लिख लिया, 10 और 8 अलग अलग कर लिए, इकाई पर 8 दहाई पर 1, फिर इकाई पर 3 और दहाई पर 1 यानी 13 चीकू जो हमें निकालने हैं अनिल को देने हैं। देखिए दोस्तों आप कैसे करेंगे, ये यहाँ पर इकाई पर 8 है और हमें कम करना है 3, तो लो 8 से हमने 3 निकाल दिए, 8 से जब 3 चीकू निकाले तो 8 के पास कितने बचे? यहाँ ऊपर कितने बचेंगे? अब यहाँ 8 नहीं रहे, यहाँ हो गए 5, तो ये 5 इकाई बचा यहाँ। और अब दहाई पर देखिए दोस्तों, 1 दहाई है और वही पूरी की पूरी रीता को देनी है अनिल को, यानी पूरे 10 चीकू दे दिए, तो क्या बचा रीता के पास? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इस तरह यहाँ पर हो गया 0। तो दोस्तों देखिए रीता के पास कितने चीकू बचे? रीता के पास बचे कुल 5 चीकू। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। दोस्तों आइए अंक पहेली नंबर 1 हल करते हैं। चलो देखते हैं अंक पहेली किसके बारे में है। देखो अंक पहेली में हमें क्या करना है? हाँ दोस्तों, अंक पहेली में हमें करना है घटाव। तो चलिए शुरू करते हैं घटाव करना। देखिए दोस्तों कहाँ से शुरुआत करें? हम करते हैं ये सबसे पहले वाले कॉलम से जो सबसे बाएं में है। 40 से हमें 20 घटाना है, 40 से 20 कम करने पर कितना आएगा? बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों, 40 से अगर 20 कम होते हैं तो 20 आता है। और पंक्ति में देखिए 40 से अगर 10 कम कर दे तो ठीक कहा, बचेगा 30। और यहाँ कॉलम में देखिए अब 30 से हमें 15 कम करना है, तो दोस्तों 15 और 15 30 होते हैं, इसलिए 30 से 15 कम करने पर आया 15। और अब यहाँ देखिए 65 से 60 कम करना है, 65 से 60 कम करने पर बचा 5। और पंक्ति में देखिए 65 से अगर 15 कम करे तो देखिए 5 से 5 कम किया तो 0 और 6 से 1 गया 5,
यानी 65 से 15 कम करने पर 50 बचता है। और दोस्तों, अगर 50 से हमें 12 घटाने हो तो क्या होगा, इसे कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, 50 से 10 गया तो 40 है ना दोस्तों, फिर 2 और कम कर दिए तो 40 से 2 जाने पर 38 हो गया। देखिए 15 से 12 कम कीजिए, 3 आएगा, बिल्कुल सही। और अब दोस्तों 28 से 3 कम करो तो 28 कम किया, 27 कम किया, 26 कम किया, बचा 25। और 25 से 14 कम करे तो बिल्कुल सही, 11 बचेंगे। अब दोस्तों कहाँ हल करें, इसे करते हैं, 28 से 22 कम करते हैं तो 8 से 2 जाने पर 6, और 2 से 2 गया तो कुछ नहीं, इसका मतलब 22 घटाने पर 28 से 6 ही आता है। दोस्तों ऊपर वाली पंक्ति में देखिए, 66 से इतना कम करोगे 33 आए तो हाँ दोस्तों 33 ही कम करना होगा, क्योंकि 33 का दोगुना ही 66 है, ये देखिए। अच्छा आप बताइए, 33 से अगर 22 कम किए तो क्या आएगा? देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, क्या समझ आया इससे कि 33 से 22 कम किए तो 11, बिल्कुल। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, सबसे अंतिम वाले कॉलम में 37 से हमें 6 कम करना है, ठीक कहा, 37 से अगर हमने 6 कम किए तो हमें मिलेगा 31, क्योंकि 7 से 6 कम करने पर 1 आया और 3 से 0 कम किया, मतलब कुछ भी कम नहीं किया तो 3 ही, इस तरह कुल 31। तो ये तो हमारी पहेली हो चुकी है हल। अब बढ़ते पहेली नंबर 2 पर, ये रही हमारी अंक पहेली नंबर 2। तो कहां से शुरू करें, चलो हम सबसे पहले ऊपर वाली पंक्ति को हल करते हैं। 60 से अगर हमने 40 कम किया तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक कहा दोस्तों, 20 बचेगा, एकदम सही। अब यहां देखिए, 20 से अगर हमने 10 घटाया तब क्या बचेगा? हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान है, अगर हमारे पास 20 रुपए होते हैं और 10 रुपए का अगर सामान लेते हैं तो हमें कितने वापस मिलते हैं? ठीक, 10 मिलते हैं। और अब यहाँ देखिए, 70 से हमें 20 कम करना है तो 70 से 20 कम करने पर 50 बचेगा, और 70 से 10 कम करने पर कितना? ठीक कहा दोस्तों, 70 से 10 कम करने पर बचते हैं 60। अच्छा दोस्तों, अगर 10 से हमने 8 घटा दिए तब क्या होगा? हाँ भाई, 10 रुपए से अगर 8 रुपए कम हुआ तो सिर्फ 2 ही रुपए बचेंगे, एकदम ठीक। और अब 38 से 2 घटा कर देखते हैं। देखिए 38 से अगर हमने 1 कम किया तो 37, और फिर 1 और कम कर दिया तो बचा 36, बिल्कुल ठीक। दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हमारे पास कितने प्रश्नवाचक चिन्ह बचे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब बस हमें 5 और हल करना है। तो आइए हम इस पंक्ति को हल कर लेते हैं जो सबसे नीचे है, 36 से 14 घटाते हैं, कैसे? देखिए 6 से 4 घटाने पर 2 बचता है और 3 से 1 घटाने पर भी 2, इसलिए कुल 22 बचा। और अब किसे हल करें, आइए दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 38 से अगर हमने 20 कम कर दिए तब हमारे पास क्या बचेगा? इतना मुश्किल नहीं है, देखिए 8 से अगर हमने 0 कम किया तो बचा 8 ही, और 3 से 2 कम करने पर आता है 1, इस तरह कुल 18 बचेगा। ये तो हो गया हल। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बताओ अब किसे हल करें, चलो इस पंक्ति को हल करते हैं जो सबसे ऊपर दिख रही है, 55 से 13 कम कर लेते हैं, कैसे करेंगे? बहुत आसान है, 5 से 3 घटा लो दोस्तों तो बचता है 2, और 5 से 1 कम करो तो 4,
तो हमारे पास कितना बचा? ठीक पहचाना, हमारे पास बचेगा 42। और अब बस हमारी पहली हाली होने वाली है। थोड़ा ध्यान से दोस्तों, कुछ गलत ना हो जाए। अब हम किसे हल कर लें? किस कॉलम को हल करें? चलो बीच वाले कॉलम को हल करते हैं। 42 से अगर 20 घटाना हो तब क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, 42 से 20 कम करने के लिए 2 से पहले 0 कम करना होगा, और 2 से 0 जाने पर बचता है 2, और 4 से 2 जाने पर 2, तो बचा है कुल 22। ठीक पहचाना दोस्तों। बस अब अंतिम बचा है। ये अंतिम कॉलम पूरा होने के बाद हमारी पहली भी पूरी हो जाएगी, तो चलो इसे पूरा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये रहा, 48 से अगर 18 कम किए तो क्या आएगा दोस्तों? कैसे करेंगे हल? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम 8 से 8 को कम कर देंगे या घटा देंगे, तो 8 से 8 जाने पर बचेगा 0, और जब हम 4 से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और इस तरह कुल कितना मिला? कुल मिला ये 30। बिल्कुल ठीक, तो 48 से 18 घटाने पर कुल मिलता है 30। दोस्तों ये तो हमारी पहेली हो गई है हल। देखिए हमने कितनी आसानी से हल कर लिया। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घटाव के कुछ सवाल। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कौन से हैं और इन्हें हम कैसे हल करते हैं। हमें सबसे पहले सवाल दिया गया है 72 घटाव 12। तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम इन दी गई संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या है 72, तो 72 में दहाई के स्थान पर आएगा 7 और इकाई के स्थान पर 2। ये कैसे आएगा आप समझते हैं ना? जी हाँ, 72 बनता है 7 दहाई यानी कि 70 और 2 इकाई से, तो इसीलिए हमने दहाई के स्थान पर लिखा 7 और इकाई के स्थान पर 2। अब बारी है 12 की, तो 12 में दहाई के स्थान पर आएगा 1 और इकाई के स्थान पर, जी हाँ, 2। क्या आप 1 दहाई उधार लेना चाहेंगे? तो हमारे पास इकाई में है 2 और उसमें से हमें कम करने हैं 2 ही, तो हमें दहाई को उधार लेने की जरूरत नहीं है। That's right. तो अब हम घटाव करते हैं। 2 में से जब हमने 2 घटाए तो उत्तर में हमारे पास आया 0। अब दहाई की ओर चलते हैं। 7 में से 1 कम हुआ, बच गया 6। तो इस तरह 72 घटाव 12, अंतिम जवाब में हमारे पास है 60। देखते हैं कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। That's right. ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में है 52 घटाव 50। तो इसे चलिए मिलकर हल करते हैं। 52 में दहाई के स्थान पर क्या होगा? जी हाँ, 52 में दहाई के स्थान पर है 5 और इकाई के स्थान पर 2। अब बारी है 50 की, तो आप बताइए दहाई के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, दहाई के स्थान पर आएगा 5 और इकाई के स्थान पर 0। क्या आप दहाई उधार लेना चाहेंगे? तो क्या हमें जरूरत है दोस्तों दहाई को उधार लेने की? नहीं, क्योंकि हमारे पास इकाई में है 2 और उसमें से हमें 0 कम करना है, तो वो हम कर सकते हैं, तो हमें दहाई की जरूरत नहीं है। That's right. अब 2 में से 0 कम करिए, कितना आया?
दो में से जीरो घटाव करने पर उत्तर में आया दो, और पांच में से पांच कम हो गए तो बचा जीरो। तो इस तरह 52 घटाव 50 अंतिम जवाब है दो। That's right. ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 78 घटाव 54। तो 78 में दहाई के स्थान पर क्या है? जी हाँ, 78 में दहाई के स्थान पर है 7 और इकाई के स्थान पर आएगा 8। वहीं 54 में दहाई के स्थान पर होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 और इकाई के स्थान पर 4। यहाँ पर भी हमें दहाई उधार लेने की जरूरत नहीं है। That's right. अब 8 में से 4 कम करिए, कितने बचते हैं? 8 में से 4 कम करने पर बचते हैं 4। 7 में से 5 घटाव करने पर बचते हैं हमारे पास 2। तो इस तरह 78 घटाव 54, उत्तर आया 24। तो हमारा अंतिम जवाब है जी हाँ 24। That's right. जो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 70 घटाव 28। तो जल्दी से दहाई के स्थान पर लिखते हैं 7 और इकाई के स्थान पर जी हाँ 0। 28 में दहाई के स्थान पर है बिल्कुल सही 2 और इकाई के स्थान पर 8। अब सोचिए दोस्तों कि यहाँ पर हमें दहाई उधार लेने की जरूरत है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर हमें दहाई उधार लेनी पड़ेगी क्योंकि हम 0 में से 8 कम नहीं कर सकते। That's right. जब हमने एक दहाई उधार ली तो दहाई में 7 की जगह हमारे पास बच गए 6 और 0 से यहाँ बन गए 10। तो अब 10 में से 8 कम हो सकते हैं ना, तो 10 में से 8 कम किए तो बचे 2 और 6 में से 2 कम हुए तो बच गए 4। तो इस तरह 70 घटाव 28, हमारे पास अंतिम जवाब आया 42। That's right. जो बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का खेल पसंद आया होगा और ये जो सवाल हमने हल किए हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको बहुत सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, देखो लिखो और हल करो। दोस्तों, आपको देखना है, लिखना है और हल करना है, ठीक है? ध्यान से सवाल देखिए। क्या है ये रहा सवाल? सवाल पैसों से संबंधित है। कंगना के पास 48 रुपए थे और उनमें से 19 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? सोचो सोचो, सोच कर जवाब देना और हल करके देना। दोस्तों, अच्छे से हल करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वाव, फूलों के ऊपर है। सवाल क्या है चलिए देख लेते हैं। विद्यालय में कागज के 44 फूल बनाए गए, ठीक है? कागज से फूल बनाए गए हैं और उसमें से 28 फूल मेहमानों में बांट दिए गए, ठीक है? तो कितने फूल बचे बताइए। विद्यालय में कागज के 44 फूल बनाए गए और 28 फूल दे दिए मेहमानों को, तो अब कितने फूल बचेंगे? और अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल शेर के ऊपर है। देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है कि एक जंगल में पिछले वर्ष 27 शेर थे, ठीक है? पिछले वर्ष कितने शेर थे? 27 थे।
और इस वर्ष शेर की संख्या 35 हो गई। ठीक है, तो शेर की संख्या में कितनी वृद्धि हुई बताइए तो, या वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई, सोचिए और जवाब दीजिए। अगला सवाल गेहूं की थैली पर आधारित है। देखते हैं क्या है सवाल। सवाल दिख रहा है कि एक गोदाम में 40 किलो गेहूं था। ठीक है भाई, गोदाम में था 40 किलो गेहूं और उसमें से 25 किलो गेहूं बिक गया। अच्छा, 40 किलो था, 25 किलो बिक गया है, तो गोदाम में कितने किलो गेहूं बचा? ये आपको पता लगाना है कि अब गोदाम में कितने किलो गेहूं बचा होगा। और अब आखिरी सवाल दोस्तों, और अब अंतिम सवाल है ये बकरियों पर। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि एक किसान के पास कितनी बकरियां थी भाई? 22 बकरियां थी। ठीक है, एक किसान के पास थी 22 बकरियां और उसने 9 बकरियां बेच दी, तो बताओ कि अब किसान के पास कितनी बकरियां बची? ठीक है, किसान के पास थी 22 बकरियां, 9 तो उसने बेच दी, तो किसान के पास कितनी बकरियां रह गई, ये आपको बताना है। दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलेंगे। गुड बाय। हमारी राइम का नाम है 10 लिटिल फिंगर्स। राइम के नाम से तो लगता है ये राइम उंगलियों के बारे में होगी। चलिए राइम देखते हैं। ये वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। दोस्तों ये राइम उंगलियों के साथ साथ पैर, कान, नाक, आंखें और मुंह के बारे में भी थी। मुझे तो इस राइम की धुन बहुत पसंद आई। क्या आपको भी धुन पसंद आई? अगर हाँ तो ये राइम अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर सुनाना।